नमस्कार दोस्तों, आज 13 सितंबर है, बुधवार का दिन है और आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे। आज का दिन राशि चक्र की सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मेष राशि, आज के दिन आप अपने माता के पक्ष के लोगों के साथ मुलाकात करके अच्छा महसूस करेंगे। नौकरी पेशा है तो कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। आपकी एकाग्रता में आज के दिन वृद्धि देखने को मिल सकती है। वृषभ राशि, आज के दिन वृषभ राशि के कुछ जातक वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं और आपका ये विचार सफल भी हो सकता है। इस राशि के जातकों की माता के स्वास्थ्य में आज के दिन अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में होंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में भी सुखद परिणाम आपको मिल सकते हैं। मिथुन राशि, आज के दिन इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को अचानक से छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए अच्छी भी साबित होगी, यानी कि इससे आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन आप परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण ये हो नहीं सकेगा। कर्क राशि के कुछ लोग आज अपनी एनर्जी घर की साफ सफाई में लगा सकते हैं। आज के दिन आप जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपके तृतीय भाव में आज चंद्रमा विराजमान होंगे, इसलिए आपके साहस पराक्रम में भी आज के दिन वृद्धि देखने को मिल सकती है। सिंह राशि, सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि के जातकों की वाणी में आज के दिन मिठास देखने को मिल सकती है। अपनी वाणी से आप विरोधियों को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। कुछ जातकों को आज काम के सिलसिले में घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। कन्या राशि वाले लोगों के व्यवहार में आज स्वच्छंदता देखने को मिल सकती है। आज बिना बात के भी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जैसे कोई बोझ कम हो गया हो। नकारात्मक विचारों से आज के दिन आपको छुटकारा मिलेगा। अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन आप ले सकते हैं। तुला राशि के लोगों को भौतिकतावादी माना जाता है, लेकिन आज के दिन अपने व्यवहार के उलट इनमें आध्यात्मिक विषयों को जानने की रुचि बढ़ सकती है। इस राशि के जातक आज लोगों से बातचीत करने के बजाय एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। इस राशि के जिन जातकों की उम्र 15 साल से कम है वो अपने माता पिता के खर्चे आज बढ़ा सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए सुखद रहेगा। यदि व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ मिल सकता है। इस राशि के कुछ जातक आज के दिन निवेश करने का विचार भी बना सकते हैं। आज का दिन इस राशि के छोटे कारोबारियों के लिए भी काफी अच्छा रह सकता है। धनुराशि, दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज कार्य क्षेत्र में भी आपको मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। सीनियर्स आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आज के दिन शाम के समय घर में पार्टी का आयोजन हो सकता है। इसके साथ ही परिवार के लोगों के साथ बाहर घूमने का प्लान भी कुछ लोग बना सकते हैं। मकर राशि के लोगों को आज भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे बिगड़ते काम भी आज बन सकते हैं। पिता के साथ इस राशि के जातकों के संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। बीते समय में निवेश किया था तो उससे भी आपको लाभ आज के दिन हो सकता है। कुंभ राशि वालों को अपने खान पान पर आज के दिन ध्यान देना होगा। आज बाहर का खाना आपके पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकता है। इस राशि के कुछ जातकों को आज अचानक से धन लाभ मिलने के भी योग हैं। हालांकि आज के दिन आपको लेन देन के मामलों को लेकर सतर्कता बरतनी होगी। मीन राशि के लोग अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। जिन लोगों की हाल ही में शादी हुई है वो जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल आज के दिन बिता सकते हैं। साझेदारी में कारोबार करने वालों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। आपके बीते प्रयासों में आपको सफलता आज के दिन मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Life। नमस्कार।